अस्सलाम वालेकुम वकास साहिर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से। आज मेरा वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, ओवरऑल बहरे टाउन कराची में विलाज अपार्टमेंट की रेंटल वैल्यू के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है। बहुत से क्लाइंट्स की हमारी क्यूरी आ रही है जो कराची सिटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कराची सिटी में गुज़िश्ता जो 15-20 दिन से एक मानसून का स्पेल आया हुआ है कराची में, इससे बहुत ज़्यादा मुतासरीन जो कि कराची सिटी से बहरे टाउन कराची में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उनकी क्यूरीज आ रही हैं कि हमें रेंटल वैल्यू के बारे में आगाह किया जाए कि मिनिमम से मैक्सिमम रेंट बहरे टाउन कराची में इस वक्त क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रीसेंट वन के विलाज को डिस्कस करते हैं। प्रीसेंट वन के विलाज जो कि 250 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, जहाँ पर हमें 4 बेड भी देखने को मिलते हैं और 3 बेड भी देखने को मिलते हैं। तो इसका अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम रेंट डिस्कस करते हैं, तो प्रीसेंट वन में हमें मिनिमम 1 लाख से लेकर 1.5 लाख की ब्रैकेट में हमें रेंटल वैल्यू देखने को मिलती है। इसके बाद प्रीसेंट टू आ जाता है, जहाँ पर हमें कायद विलाज और इकबाल विलाज देखने को मिलते हैं। कायद विलाज जो कि 200 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विला है, यहाँ पर हमें 3 बेड अकोमोडेशन देखने को मिलता है। कायद विला हमें इस वक्त मिनिमम 65,000 से लेके 80,000 की ब्रैकेट में देखने को मिलता है। और इसके बाद इकबाल विलाज पे आ जाते हैं, जो कि 152 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल है, वो भी ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी विला है, वहाँ पर भी हमें 3 बेड अकोमोडेशन देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम रेंट डिस्कस करते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम 55,000 से लेके 65,000 पर हमें विला आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीसेंट 10A के विलाज डिस्कस करते हैं, जो कि 200 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल हैं। अगर हम उधर रेंटल वैल्यू को डिस्कस करें, रेंटल वैल्यू मिनिमम 50,000 से लेके मैक्सिमम 65,000 तक हमें आसानी से विला मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 11A के विलाज डिस्कस करते हैं। प्रीसेंट 11A में हमें 2 कैटेगरीज देखने में मिलती हैं, जिसमें 200 गज़ के विलाज भी हैं और 152 गज़ के विलाज भी हैं। 200 गज़ के विलाज को अगर हम डिस्कस करें तो 50,000 से लेके 60,000 की ब्रैकेट में हमें आसानी से विला मिल जाता है। इसके बाद 152 गज़ के विलाज को अगर हम डिस्कस करते हैं तो मिनिमम 45,000 से लेके मैक्सिमम हमें 55,000 तक 11A में 200 गज़ का विला मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 27 के विलाज को अगर हम डिस्कस करते हैं, जो कि 235 गज़ पर मुश्तमिल हैं, वो हमें मिनिमम 40,000 से लेके मैक्सिमम 45,000 या 50,000 की ब्रैकेट में हमें एक विला आसानी से मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 31 के विलाज डिस्कस करते हैं। प्रीसेंट 31 भी 235 गज़ पर मुश्तमिल है, 3 बेड अकोमोडेशन के साथ है, उधर हमें मिनिमम विला 35,000 से लेके मैक्सिमम 50,000 की ब्रैकेट में हमें विला मिल जाता है। स्पोर्ट्स सिटी विलाज को अगर हम डिस्कस करते हैं, स्पोर्ट्स सिटी विला 350 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल विलाज हैं, 4 बेड अकोमोडेशन के साथ है, फ्रंट पे भी हमें एक बहुत खूबसूरत लॉन देखने को मिलता है, बैक साइड पे बैक यार्ड लॉन भी देखने में मिलता है। अगर हम वहाँ इस वक्त करंट रेंटल वैल्यू को डिस्कस करें तो मिनिमम 45,000 से मैक्सिमम 60,000 तक हमें स्पोर्ट्स सिटी विला मिल जाता है। इसके बाद प्रीसेंट 19, जहाँ पर हमें 2 बेड 3 बेड और 4 बेड अकोमोडेशन अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल मेन गेट के पास हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की हार्डली ड्राइव पर हैं। अगर हम उधर 2 बेड अपार्टमेंट एक रेंट के लिए लेने जाते हैं तो मिनिमम हमें 30,000 से लेके मैक्सिमम 40,000 की ब्रैकेट में हमें 2 बेड अपार्टमेंट देखने में मिलता है। इसके बाद अगर हम 3 बेड अपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं तो मिनिमम 55,000 से लेके मैक्सिमम 70,000 की ब्रैकेट में हमें 3 बेड अपार्टमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम 4 बेड अपार्टमेंट को रेंट देखने जाते हैं तो मिनिमम 90,000 से लेके मैक्सिमम 1,10,000 में हमें 4 बेड अपार्टमेंट आसानी से मिल जाता है। ये मेरी वीडियो उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि बहरे टाउन कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं। वो कंपेयर करें अगर सिटी के साथ, सिटी में अगर हम एक 2 बेड अपार्टमेंट भी लेने जाते हैं तो मिनिमम उसका रेंट 25,000 है, प्लस उनके मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं 30,000। बहरिया में भी मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं, बहरहाल बहरिया आपको वो लाइफ भी दे रहा है, जहाँ आप मेंटेनेंस चार्जेस पे करके ये नहीं कहेंगे कि हम लोग यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, बारिशों की वजह से डिस्टर्ब हैं, या अल्लाह ना करे कि कुदरती आफात आती है जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। बहरिया टाउन में अगर आप रेंटल के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई अपार्टमेंट आप रेंट पर लेना चाह रहे हैं या कोई विला रेंट पर लेना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ करें। अल्लाह हाफिज़।